हो पोनोपोनो प्रेयर तो आप जानते ही होंगे कि इसके हेल्प से हम अपने किसी भी इच्छा विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और कैसे इसका यूज़ करके आप अपने किसी भी इच्छा को रियलिटी में चेंज कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हो पोनोपोनो प्रेयर एक प्राचीन हवाईयन टेक्निक है जो आपको माफी, शुद्धि और खुद को और दूसरों को माफ़ करके अपनी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करती है। इसमें चार सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बार बार रिपीट करने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब सवाल ये उठता है कि होपोनोपोनो प्रेयर से मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। मैनिफेस्टेशन का सिंपल मतलब होता है अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के मदद से अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं उसे पूरी करना। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस या निगेटिव एनर्जी इस प्रोसेस में रुकावट बन जाती है। होपोनोपोनो प्रेयर इन ब्लॉकेजेस को दूर करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आप अपने अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी, गिल्ट और फियर को रिलीज करते हैं। आपको बस अपनी इच्छा को मन में सोचना है और होपोनोपोनो प्रेयर के चार स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ये प्रोसेस आपके अंदर की वाइब्रेशन को रेज करता है और आपकी एनर्जी को अलाइन करता है उन चीज़ों से जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे यूज़ करने का दूसरा और भी आसान तरीका है। इसे आप अपने विजुअलाइजेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उस मोमेंट को फील कीजिए। इसके साथ ही होपोनोपोनो प्रेयर की चार स्टेटमेंट दिल से बोलिए। ये आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको अलाइन करेगा और आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाकर आपकी जो इच्छा है उसे रियलिटी में चेंज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको अपने करियर में कुछ सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है। होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त अपने करियर गोल्स को विजुअलाइज कीजिए और स्टेटमेंट को रिपीट कीजिए। जैसे आई एम सॉरी, अपने पास्ट मिस्टेक्स के लिए आपको ये बोलने हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये आपको उन निगेटिव थॉट्स एंड ब्लॉकेजेस के लिए बोलने हैं जो आप खुद पर इम्पोज करते हैं। यानी कि जो भी आप प्रेजेंट में अपने निगेटिव थॉट्स को सोचते हैं, उसके बाद आप आगे कहिए थैंक यू। ये किस लिए? तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए कि उन्होंने आपकी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया और आपके विश को मैनिफेस्ट किया है। एंड लास्ट में आई लव यू, यानी कि आप खुद से और यूनिवर्स से प्यार को, अपने प्यार को शो कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। इन सिंपल स्टेप्स का यूज़ करके आप अपने किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हो, रियलिटी में ला सकते हो और उसे इंजॉय कर सकते हो। इससे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये आपके अंदर के निगेटिविटी को भी रिलीज़ कर देता है, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाती है एंड हो ही जाती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड और सोल क्लियर होता जाएगा। याद रखिए, होपोनोपोनो के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कॉमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कॉमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।